तो भाई घूम फिर के चलते हैं अब नीचे को। को करते हैं बाय बाय और जाते हैं नीचे। इससे पहले बारिश हमें भी गई, हम खुद ही निकल जाएं। हाँ पैदल वे वो है, इतना कौन जाएगा पैदल, वही मर जाएगा। देख कितनी नीचे, ये ऊपर से यहाँ से खड़खड़ बीच में पॉइंट पे आता ना तो यहाँ से वाइब्रेट करती है तारे, बहुत डर लगता है उसमें। क्या कोई वायर जैसे निकलती होगी ना? हाँ हम नीचे सफलता पूर्वक विदाउट किसी कष्ट के। 500 रुपए वसूल भाई। ऊपर के व्यू वगैरह, घोड़े वगैरह सब देख, जाना भी रास्ता देखना, वो 500 कुछ नहीं लग रहे। मैं दिखा रखा है कि आपको कितनी दूर है, जैसे नरसिंह मंदिर जो सिमट जाओगे 16 किलोमीटर, गोविंद घाट 31, बद्रीनाथ 59 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये सब चीजें यहाँ पर बता रखे। लट्टू देवता मंदिर 142 किलोमीटर और हम हैं अभी 2500 मीटर हाइट पे, हाइट 2500 मीटर अभी यहाँ की। तो भाई टोटल बात ये है, मज़ा आया, इंजॉय किया खूब मस्त एकदम। अब निकलते हैं आगे की तरफ को, देखते हैं कि हम भी कहाँ का प्लान बनता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो भाई एक तो मतलब यहाँ आने पे जब जितना प्रॉब्लम हुई थी मुझे, सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, सो नहीं पाया था 2 दिनों में। तो उस हिसाब से तो भाई सही आ गए यहाँ पे, है ना। अभी मेरे दोस्तों भी आने की कह रहे हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया भाई, मेरे दोस्त वगैरह भी कह रहे हैं आने के लिए। अब देखो क्या होता है, क्या प्रोग्राम बनता है, बाकी उनके साथ ही घूमना फिरना हो गया, खूब नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब तक तो आप हरियाणा देख रहे थे, अब आप उत्तराखंड देखो, टूरिज्म प्लेस। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको आगे, तब तक के लिए घूमते फिरते आप भी कीप वॉचिंग, देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को, कभी गोप्रो से कभी इससे। यहाँ पे लंबू अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए आए कि बिना बताए आएंगे। उसने ही नहीं सरप्राइज दे दिया, फोन ही पिक नहीं कर रही है, पता नहीं किस काम में लग गई। अब कुछ भी रीज़न हो सकता है, अगर बता के चलो तो भाई हो सकता है, लेकिन बता के नहीं जाओगे तो ऐसे ही होगा। हमने सोचा हम शाम तक आएंगे, लेकिन बारिश हो रही थी, फिर क्या करना था। तो अभी कॉल कर रही है, वो पिक नहीं कर रही है, ऐसे ही चल रहा है। मेरे GoPro की जिंदगी अब इस KTM के हाथ में है। चलो लम्बू तुझे हिप्नोटाइज करता हूँ, अब तू मेरे बस में है। अब तू मुझे इधर पूरा घुमाएगी लम्बू। माय गॉड, फोन उठा लिया है, चले गई, छुट्टी गई है। मैं आई थी ना, सरप्राइज मिल गया भाई लंबू को। वो गई है बेचारी छुट्टी यहाँ से, ITBP में वो भी इनके साथ की है, वो छुट्टी पे चले गए। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, सॉरी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। गाइस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में।
मजाक कर रहा हूँ। अभी हम रास्ते में हैं और हम जा रहे हैं तपोवन की तरफ। तो बीच में पहाड़ पड़ गए थे सुंदर सुंदर से, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और उस साइड को है आपका तपोवन का रास्ता, तो हम निकलते हैं तपोवन को। ऊपर तो बारिश वारिश सी हो गई थी हल्की सी, इसलिए हम जल्दी जल्दी नीचे आ गए। हमने सोचा एक पॉइंट और कर लें। अब ये आएगी वीडियो दूसरे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में ओली, सेकंड पार्ट में तो कपड़े वगैरह हमारे यही रहेंगे। तो देखते रहिए पहाड़ों की यात्रा। फूल की बूंदे यहाँ भी आ गई है। हम निकलते हैं तपोवन की तरफ को और मिलते हैं आपको आगे। इसी में बैठ जाओ आप, खाली जा रही है। अब हम पहुँच गए हनुमान शिला पे। यहाँ पे ये पत्थर है, कैसे लंबू बताएगी? इधर देखो, ये ऐसे पूरा मुंह नहीं बना है। तो ये मंदिर है, यहाँ पे आगे के साइड मंदिर है, ये हनुमान शिला है। और ये पत्थर है बहुत बड़ा भाई, कैसे टिका यार ये सही में, तो हवा में है कतई। वही हनुमान जी का मुंह रास्ता है क्या इसमें नीचे जाने का? ना, वो जाते होंगे कोई, कैसे वो है शायद वो मुंह निकलेगा। तो भाई यहाँ पे भी इतनी हाइट में तिलक लगा रखा है लोगों ने, देखना कैसे कैसे जगह में, मतलब एक पत्थर लिकड़ गया तो समझो खत्म। ऐसे जगह पे इन्होंने घर बना रखे हैं यार, हद की बात है, देखना बिल्कुल। पीछे तो है वो हनुमान मंदिर जो घर दिखाया था, वो सामने देखना कैसी पहाड़ी पे, और नीचे इस साइड में गांव वगैरह भी है, नदी भी है इस साइड में, देखना नदी और गांव भी है भाई पहाड़ों के बीच में। आपको वैसे दिखाता हूँ, जो ये देखिए भाई, ये जा रही नदी, देखना एक नदी में और ऊपर से पानी आ रहा है मतलब पहाड़ से, वो देखना कितना लंबा पहाड़ है। वेलकम बैक। तो भाई हम पहुंच गए हैं तपोवन, और यहाँ पे गर्म पानी, ये देखो भाप, धुआं निकल रहा है, धुआं धुआं, और पीछे है नदी। ओए ओए क्या सेंटी मौसम हो रहा है, बढ़िया एकदम। तो यार ठंड इतनी हो रही है, ऊपर से ग्लेशियर भी है और मौसम भी ठंडा ही है पूरा, मतलब इतना गर्म है क्या? अच्छा तो भाई यार ऐसी जगह पे देखना एकदम पहाड़ के बीचों बीच, और कोई सोर्स नहीं लेकिन गर्म पानी आ रहा है, और नीचे नदी में बिल्कुल चिल्ड पानी है बर्फ का, ग्लेशियर का। ऊपर से एक बच्ची बोली मम्मी गर्म पानी आ रहा, गर्म कितना अच्छा है ना। ये है आपका गर्म पानी, और अब वहाँ पे जाएंगे ऊपर। लंबू तो बाल सही करने में लगी पड़ी है, लंबू के बाल ही नहीं बन रहे यहाँ तक, अभी नीचे तक आ जा लंबू, चल छलो छलो सैनिक, खुद छलो, हो गया एंट्री आ गया। यही एंट्री अब। ओ भाई भाप आ रही है यहाँ तक, ओ मुल्तान मिट्टी। तो भाई फेस पैक है, अगर किसी को लगाना हो तो यहाँ से फेस पैक लगा सकता है, ये है इसका मेन पॉइंट। और कैमरा गया, भाप जम गई। तो भाई यहाँ पे है गर्म पानी एकदम उबल रहा है, वहाँ से साइड में भी नीचे सिलेंडर रख रखे हैं बहुत सारे। किसी को पता नहीं है, सीक्रेट है ठीक है, सिलेंडर धरे हैं बहुत सारे नीचे। ये उबल रहा है मतलब, इसमें कैमरा नीचे के ला रहा हूँ ना तो गैल भाप जम जा रही है इसमें। पानी बहुत गर्म होगा ना इसका।
छील रहेगा। इसमें से पानी कहाँ से आ रहा है? गर्म भी आ रहा है। दिस इज नेचुरल सोर्स। ये गीजर लगा रखे है इसमें नीचे, गीजर फिटिंग है इसमें। टच करके देखो पानी कितना गर्म है। हल्के से करियो। कैसा फील हो रहा आपको? फील ऐसा हो रहा है कि ये पानी सच में खोल रहा बहुत ज्यादा। इससे मुंह धो लिया तो बढ़िया वाला फेस वॉश हो जाएगा, लाइफ टाइम वाइटनेस आ जाएगी। चलो इससे तो चीटे ही मारना बेटर रहेगा। क्यों ठंडा है ये? वो सच में यार इतना गर्म पानी यार, मतलब एक तो ऊपर को उबाल हो रहा है, पानी भी है। जब वोल्केनो वगैरह होता तो आग निकलती है, ये पानी थोड़ा ना निकलेगा पता। तो भाई इस पानी में ना ऐसा है, ये गर्म होने के साथ साथ चिकनी मिट्टी भी छोड़ता है साथ में अपने। ये है मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश के लिए। हाँ, आप 2 मिनट से ज़्यादा इसी तरह। आर्मी वाले भी जा रहे हैं यहाँ से, इससे साफ है ना पानी, इससे पता कैसे देंगे। हाँ ऐसी हो सकता है भाई इससे, लेकिन ऐसा है जैसे रॉड पूरा खोल जाना ना पानी, वो वाला सही सिस्टम है इसका कि हाँ भी गोरे होने का राज, गोरे होने का पानी। ऊपर देखना कैसे भाप उठा रहा है ये, यार ये ऑल टाइम चलता रहता है, बारिश ही चलता चलेगा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम घुमाओगे। तो भाई बारिश भी आने लग गई हल्की हल्की, अभी गर्म पानी तो है ही लेकिन इससे थोड़ा बच सकते हैं। तो हम निकलते हैं आगे के लिए, जाने के लिए हो गए हम रेडी। अब खाते हैं खाना क्योंकि सुबह से भूख लग रही है और हम कहीं रुके नहीं है, है ना। चॉकलेट वगैरह खाई है, जो खाई है ऊपर मैगी वगैरह भी मिल रही थी लेकिन बढ़िया नहीं थी, हमने सोचा किसी ऐसी जगह पर आनंद ले। वाह यार कितना बढ़िया लग रहा है ना व्यू। मैं तो भाई यहीं बनाऊंगा अपना घर, इधर सामने रेती वेती उठा के, इधर तो कोई रोकने का नहीं, ना जमीन के पैसे देने पड़ेंगे, बस बनाने का खर्चा है वो बढ़ा ही लेंगे। ठीक है लंबू, तो मिलते हैं आपको आगे। Bye. तो भाई अब आ गए हैं हम होटल पे और लंबू जा रही है, यहाँ पे मैगी वैगी नहीं मिलती तो ये मैगी खाने के लिए जा रहे हैं। ना ना ऐसा कुछ नहीं, हम भी नॉन वेज नहीं खा रहा है। तो मैगी यहाँ पे तो मैगी है नहीं, और तो लंबू जा रही है उधर, अब वो वहाँ पे खाएगी मैगी वगैरह। तो भाई हमारा खाना तो हो गया रेडी, हम लम्बू ने कह रहे थे नहीं नहीं घर जाके खाऊंगी, कमरे पे खाऊंगी। यार कितना टाइम लगता है क्या लगता है हमें क्या पता, और रास्ता भी है थोड़ी डिस्टेंस वाला, आधा पौना घंटा तो लगेगा जाने में। तो फिर खाते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं। रख दिया, अरे वाह ये है पहाड़ी स्टाइल में यहाँ पे खाना। तो भाई ये है पनीर और चावल। ओ, 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 भाई हमारा तो हो गया पेट फुल, अब लंबू का नहीं हुआ। और भाई बारिश आ रही है रे, बारिश की बूंदें पड़ रही है। लंबू पता नहीं कहाँ पहुँच गई हमारी, किडनैप तो नहीं कर लिया किसी ने उसे? नहीं, ITBP वाले को ही किडनैप करे। अरे पनियाल भोजनालय पे, तो यहाँ पे लंबू हो गया। नहीं तो भाई इतना, अरे हम ऐसी आए ढूंढ रहे, मैंने की किडनैप तो नहीं कर लिया कहीं आपको। क्या खाया फिर? मैंने मैगी। मैगी इतनी देर लग गई मैगी खाने में? अरे बनाया उसने ना। मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है। जेट भर ले, कुछ और खाया है। यहाँ 30 रुपए की मैगी खाई। बस वहाँ से 50, यहाँ 30, सस्ती है इसलिए 2 मैगी खाई होंगी पक्का। एक ही खाया। एक इतना टाइम लगता है एक में? एक भी नहीं खाई जाती जल्दी। अरे भाई
लड़कियों वाले। अरे यहाँ से 70 किलोमीटर पे चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो मलारी पोस्ट तो है वो। अच्छा, दो किलोमीटर दूर पे मलारी पोस्ट, 2 किलोमीटर दूर पे। तो भाई यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर स्टार्ट है, तो अब निकलते हैं भाई आगे को, मिलते हैं आपको घर पे ही। टाटा, सी यू, बाय बाय। अब हम आगे हैं ITBP कैंप, मतलब रूम पे। चला नहीं जा रहा मेरे से, सच में ठंड से पैर ऐसे अकड़ गए कि चला भी नहीं जा रहा। यह है पुलिस कैंप, चाइना बॉर्डर भी होके आ गए हम। और बताओ और कहाँ घूमना है आपको? ये जो देख रहे हैं आप हरा भरा, हाथ लगाते ही नानी याद दिला, नाना नानी सारे याद दिला देगा घर के, जब बिना छोड़े पीछा। पहाड़ी बिच्छू, अगर कोई पहाड़ी पहाड़ से देख रहा हो उत्तराखंड से, वो समझ जाएगा पहाड़ी बिच्छू है, बहुत तेज लगता है। ये बम पे लगाते हैं, जब कोई शैतानी करता है तो उसके बम पे लगाते हैं इसे। भाई आ गए हम रूम पे, ट्रिप तो बहुत बढ़िया रहा भाई, मतलब मौसम साफ रहा हमारे यहाँ ना, अल्लाह मेहरबान, तो हम पहलवान। भाई आ गए होम स्वीट होम पे, हाँ थक हार के। तो भाई खर्राटे मार के सोया जाएगा, और नहीं हो पाएगा कुछ भी है। हीटर तो लंबो भी रूम हीटर चलाने की कह रही है, अच्छा भी रख देते यहाँ पे। चला दिया रूम हीटर, अब इसमें सेकते हैं आग। वन मैन आर्मी। तो भाइयों ब्लॉग बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।